मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूती देने के लिए फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का पूरा जोर बूथ मैनेजमेंट पर है। बूथ लेवल पर कांग्रेस मजबूत होगी तो संगठन मजबूत होगा और उपचुनाव में पार्टी को जीत हासिल करने में आसानी होगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर षड्यंत्र कर सत्ता हासिल करने का आरोप भी लगाया। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग क्षेत्रीय कांग्रेस मतलब मंडल सेक्टर और बूथ की कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और उसी के तहत अभी सबसे पहले 27 जो उपचुनाव हैं उन चुनावों की तैयारी चल रही है। बूथ स्ट्रुथ बूथ से मतदाता तक और समग्र जनचेतना वार्डवार अभियान के मतदाता को जागरूक करना, उसको कांग्रेस की रीति नीति बताना और आने वाले समय पर जो उपचुनाव है जो धोखे धड़ी से सरकार बनी है भाजपा की सरकार जो खरीद फरोख की सरकार बनी है और जिसने मतदाता के साथ धोखा करा है और इस अभियान की शुरुआत पहले उन सभी विधानसभाओं में जहां उपचुनाव होना है 27 की 27 विधानसभाओं में होगा। ये समग्र जनचेतना वार्डवार अभियान है, मेरा वार्ड मेरा परिवार।